मूवी की शुरुआत में हमें एक सक्सेसफुल मॉडल दिखाया गया है जिसका नाम विक्टोरिया है, जो एक एड फिल्म शूट करने के लिए बीच पर आई थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि विक्टोरिया अपने साथ काम करने वाले मेल मॉडल एंड्रयू को देखकर काफी अट्रैक्ट हो रही हैं। दूसरी ओर हमें ईवा नाम की एक नौकरानी दिखाई जाती है जो वास्तव में विक्टोरिया के घर में काम करती है। ईवा दिखने में बेहद खूबसूरत और यंग लड़की है, लेकिन मजबूरी में उसे नौकर की तरह काम करना पड़ता है। और जब ईवा विक्टोरिया के कमरे में उसके सामान को छू रही थी तो उसे लगा कि यह सब गलत है, तो वह अपने काम पर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ एक एड फिल्म की शूटिंग शुरू होती है जिसमें विक्टोरिया एंड्रयू के बहुत करीब आ रही है। अब क्योंकि डायरेक्टर को इससे काफी अच्छा शूट मिल रहा था तो वो दोनों को और ज्यादा करने के लिए कहते हैं। फिर कुछ देर शूटिंग करने के बाद ब्रेक मिलते हैं। इसी दौरान विक्टोरिया बाथरूम जाती है, लेकिन रास्ते में वो भी एंड्रयू से पूछती है। वह अपने पीछे आने को कहती है। जब वो एक ही बाथरूम में आते हैं तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन जल्द ही डायरेक्टर का असिस्टेंट वहां आ जाता है और दोनों को डिस्टर्ब करते हुए कहता है कि डायरेक्टर अभी तुम्हें शूटिंग के लिए बुला रहा है। इधर विक्टोरिया और एंड्रयू के बीच कुछ नहीं हुआ तो विक्टोरिया बाद में मिलने के लिए कहती है और कहती है कि वो दोनों शूटिंग पर वापस चले जाते हैं। उसके बाद हम रात देखते हैं। ईवा जब विक्टोरिया के घर में मूवी देख रही थी, विक्टोरिया भी घर आ गई और हम यह भी देख सकते हैं कि विक्टोरिया अकेली नहीं है बल्कि वह एंड्रयू को अपने साथ ले आई है, जिसे हम समझ सकते हैं कि वो लोग यहाँ क्या करने वाले हैं। आगे ईवा विक्टोरिया से डिनर के बारे में पूछती है। इस पर विक्टोरिया मना कर देती है और कहती है कि वे ऊपर वाले कमरे में डिनर करेंगे। तो ईवा भी समझ जाती है कि आज रात क्या होने वाला है। फिर जैसे ही विक्टोरिया और एंड्रयू बेडरूम में आते हैं, वे तुरंत अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तब हम यह भी देख सकते हैं कि ईवा दरवाजे पर खड़े दोनों की आवाजें सुन रही है, लेकिन आवाजें सुनकर ईवा को भी यह सब करने का मन करता है। इसके बाद जब एंड्रयू की नींद खुली तो अगले दिन विक्टोरिया सो रही थी, तो वह बिना बताए बाहर आ गया। ईवा अपना काम कर रही थी और वह एंड्रयू को देखती है और उससे कॉफी के बारे में पूछती है, लेकिन एंड्रयू मना कर देता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है। आगे जब ईवा दरवाजा खोल रही थी तब एंड्रयू उससे कहता है कि तुम नौकरानी की तरह बिल्कुल नहीं दिखती हो। यह सुनकर ईवा थोड़ा शर्मा जाती है, इसलिए वह ज्यादा नहीं बोलती। फिर एंड्रयू भी ईवा से कहता है कि तुम्हें नौकरानी की नौकरी छोड़ देनी चाहिए और किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री ले लेनी चाहिए। तब ईवा इस पर कहती है, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पापा बहुत पहले मर गए और इसलिए मुझे यह सब काम करना पड़ रहा है। लेकिन एंड्रयू की बातों से हम साफ समझ सकते हैं कि वह ईवा की तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन वह यहाँ ईवा से ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। आगे काम करते हुए ईवा सामने घर के नौकर लॉरो को देखती है, तो दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे को पसंद करते थे तो उनका रिश्ता चलने लगता है। लेकिन लॉरो का मालिक यह सब देखता है और गुस्से में लॉरो को काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। यह सब ईवा भी देख रही थी और यह सब बहुत बुरा लगता है। आगे विक्टोरिया बुलाती है तो ईवा उसकी कमरे में जाती है। जब ईवा वहाँ जाती है तो विक्टोरिया बहुत कम कपड़े पहनती है, इसलिए ईवा यह देखकर थोड़ा शर्माती है। आगे विक्टोरिया ही उसे एंड्रयू के बारे में पूछती है। वह बताती है कि वह सुबह ही चला गया था। यह सुनकर विक्टोरिया जवाब नहीं देती और नहाने चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ईवा चुपके से विक्टोरिया को देख रही है और इसे देखकर हम समझ सकते हैं कि ईवा के दिमाग में क्या चल रहा है। अब उसी रात लॉरो ईवा से मिलने आता है और दोनों यहाँ बहुत बातें करते हैं। लॉरो पूछता है कि तुम्हारी मालकिन का व्यवहार कैसा है, तो इस पर ईवा जवाब देती है कि विक्टोरिया बहुत अच्छी है और वह हमेशा अच्छी तरह से बात करती है। आगे की बातों में लॉरो बताता है कि जब विक्टोरिया रात में किसी को अपने कमरे में लाती है तो उनकी आवाज़ मेरे कमरे तक सुनाई देती है और मुझे सुनने में मजा आता है। तभी ईवा और लॉरो विक्टोरिया के कमरे की खिड़की से अंदर देख रहे थे। तभी लॉरो के मालिक ने उसे कॉल किया जिसके कारण लॉरो को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद अगले दिन जब विक्टोरिया काम पर जा रही थी तो वह ईवा से कहती है कि मैं आज रात आने में देर होता है, इसलिए तुम मेरा इंतजार न करें। जब वह वहाँ से चली गई, तो ईवा सब्जी लेने के लिए सब्जी वाले के पास जाती है, जिस दौरान आसपास के घरों की सारी नौकरानियाँ वहाँ आ गई थी और सभी नौकरानियाँ यहाँ गंदी गंदी बातें कर रही थी और ईवा भी इन सब बातों को सुनकर मजा ले रही थी। उसी रात जब ईवा सो रही थी तब लॉरो ने उसे कॉल करता है, लेकिन जब ईवा उससे मिलने निकली तो दोनों को विक्टोरिया की आवाजें सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर लॉरो खुद को रोक नहीं पाया और लॉरो ईवा के और करीब आता नजर आ रहा है। अब ईवा को भी मजा आ रहा था, लेकिन अगले ही पल वह लॉरो को ऐसा करने से रोकती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लॉरो को समझ नहीं आता कि ईवा ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह लॉरो ईवा से मिलने आता है। दरअसल वह यहाँ कल रात के व्यवहार के लिए ईवा से माफ़ी मांगने आया था और ईवा उसे माफ़ भी कर देती है। इसके बाद जब विक्टोरिया अपने एक दोस्त के साथ बाहर जा रही थी तो वह ईवा से कहती है कि आज भी उसे वापस आने में देर हो जाएगी। उसी रात हम लॉरो और ईवा को एक साथ देखते हैं। यहाँ लॉरो ईवा को प्रपोज करता है और ईवा भी मान जाती है, लेकिन ईवा लॉरो से कहती है कि तुम मुझे छूने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना, और फिर लॉरो भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। तभी ईवा विक्टोरिया के आने की आवाज़ सुनती है तो वो लॉरो को तुरंत जाने के लिए कहती है, लेकिन जब लॉरो वहाँ से जा रहा था
फिर विक्टोरिया उसे जाते हुए देखती है, लेकिन वह इसके बारे में ईवा से कुछ नहीं कहती और ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसने लॉरो को जाते हुए नहीं देखा। जब विक्टोरिया अगली सुबह नाश्ते के लिए नीचे आती है तो वह ईवा से कहती है कि वह आज रात भी देर से आने वाली है। इस बीच जिस तरह से विक्टोरिया ईवा को देख रही थी, इससे हम समझ सकते हैं कि ईवा के बारे में उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। उसी विक्टोरिया के जाने के बाद ईवा पूरा दिन घर की सफाई में लगाती है और रात में लॉरो उससे मिलने आता है। वो थोड़ी बातें करते हैं जिस दौरान वो लोग काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी ईवा विक्टोरिया के आने की आवाज़ सुनती है। फिर वह लॉरो को तुरंत जाने के लिए कहती है, लेकिन इस बार लॉरो जाने से मना कर देता है। तभी दोनों को विक्टोरिया के कमरे से दूसरी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि विक्टोरिया को लड़कियों में भी दिलचस्पी है। विक्टोरिया को ऐसा करते देख दोनों भी खुद को रोक नहीं पाते, वहाँ संबंध बना लेते हैं। इतना सब होने के बाद जब हम ईवा का चेहरा देखते हैं तो हम साफ समझ सकते हैं कि उसे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आया। अब इस वजह से ईवा को बहुत बुरा लगता है और वह लॉरो से ठीक से बात नहीं करती है। और फिर लॉरो ईवा को गुड नाइट कहने के बाद वहाँ से चली जाता है। वहीं अगले दिन ईवा घर में काम करते हुए काफी शांत और उदास दिख रही थी और ईवा इतनी दुखी थी कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के के इतने करीब आ गई थी, लेकिन उसे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आया। थोड़ी देर बाद ईवा विक्टोरिया के कमरे में चली जाती है और अपने बिस्तर पर लेटकर खुद को विक्टोरिया और उसके दोस्तों के साथ कल्पना करती है और उसे इस तरह की कल्पना करने में मजा आता है। और ईवा इन सबसे संतुष्ट नहीं होती है और वो विक्टोरिया के पर्सनल बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। इसी बीच विक्टोरिया भी घर आ जाती है, लेकिन ईवा को इस बात का पता नहीं चलता। जब विक्टोरिया ऊपर आती है और ईवा को अपने बाथरूम में देखती है और पूछती है कि तुम्हें मेरे बाथरूम में आने की इजाज़त किसने दी, यह सुनकर ईवा डर के मारे कुछ नहीं कहती। अब क्योंकि ईवा पूरी तरह से भीग चुकी थी, विक्टोरिया उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए देती है। तब ईवा उन कपड़ों को पहन रही थी और खुद को आईने में देख रही थी। तभी विक्टोरिया वहां आती है, उसके करीब आने लगती है। हालांकि ईवा के पास विक्टोरिया के साथ यह सब करने के लिए मन नहीं था, लेकिन वह विक्टोरिया को रोक नहीं पाती और वो दोनों एक रिश्ता बना लेते हैं। अब यह सब खत्म होने के बाद ईवा गुस्से में लॉरो के पास जाती है और उससे कहती है कि आज रात को आकर मुझसे कमरे में मिलो और अगर तुम नहीं आए तो मैं सबको बता दूंगा कि कल रात तुम विक्टोरिया के घर चोरी करने आए थे। यह सुनकर लॉरो बहुत डर गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या है ईवा उसके साथ कर रही है। फिर लॉरो रात में ईवा से मिलने जाता है। दरअसल ईवा को पिछली बार मजा नहीं आया था, इसलिए वे फिर से यह सब करना चाहती थी। आगे वे दोनों करीब आते हैं और फिर बाहर हम देखते हैं कि विक्टोरिया छिपकर उन दोनों की आवाज़ें सुन रही है। अब अगले दिन विक्टोरिया ईवा को कॉल करती है, तब ईवा उसे इग्नोर करती है क्योंकि वह जानती थी कि विक्टोरिया उसे क्यों बुला रही है। लेकिन विक्टोरिया के बार बार कॉल करने के बाद ईवा अपने कमरे में चली जाती है। वहां विक्टोरिया अपने साथ फिर से वही काम करना चाहती थी, लेकिन इस बार ईवा उसे मना कर देती है। इस पर विक्टोरिया ईवा को एक आइडिया देती है कि हम यह सब लॉरो के साथ मिलकर करेंगे। अब क्योंकि यह नया था, ईवा सहमत है। फिर जैसे ही रात होती है, ईवा लॉरो को अपने कमरे में बुलाती है। लॉरो के आने के कुछ देर बाद विक्टोरिया भी वहां आ जाती है। यह देखकर लॉरो समझ जाता है कि ईवा और विक्टोरिया क्या करने की योजना बना रही हैं। लेकिन यहां लॉरो का कहना है कि मैं यह सब नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं ईवा से बहुत प्यार करता हूं। यह सब कहकर लॉरो उदास होकर वहां से चला जाता है और यह देखकर ईवा उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन इस बार लॉरो उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। अब इसके कुछ दिन बाद हमें ईवा और विक्टोरिया स्विमिंग पूल में दिखी, जहां लॉरो भी आता है। दरअसल विक्टोरिया को एहसास हो गया था वह लॉरो वास्तव में ईवा से प्यार करती है, इसलिए अब वह उनके बीच नहीं आना चाहती थी। यहां हम लॉरो और ईवा को एक साथ देखते हैं और इसी के साथ हमारी फिल्म यहां एंड होती है।